पंजाब दिया सड़कां ते दिनों दिन सड़क हादसों में लगातार वाधा हुंदा जा रहा है। अजिहा ही भयानक हादसा एक बार फिर हो गया जदों नाभा मलेरकोटला नूं जा रही सरकारी बस नाभा ब्लॉक के पिंड कुलारा विखे कार चालक वल्लों ब्रेक लगाउण कारण बस चालक वल्लों कार चालक नूं बचाउंदे होए बेकाबू बस सड़क ते खड़े दरखत नाल टकरा गई। इस हादसे विच काफी लोग गंभीर जख्मी हो गए। मिली जानकारी अनुसार हादसा इन्ना भयानक सी कि बस दे दरखत विच वज्जन ते दरखत दे दो टोटे हो गए। उधर हादसे विच ड्राइवर दीयां लत्तां टुट गईयां अते कई लोग गंभीर जख्मी हो गए। इस दे नाल ही हादसे दी लपेट विच आया एक साइकिल सवार भी गंभीर जख्मी दस्सिया जा रहा है। जिक्र योग है कि हादसा ग्रस्त बस किलोमीटर स्कीम वाली बस सी अते बस चालकां ते अफसरां दा प्रेशर इन्ना ज्यादा हुंदा है कि निर्धारित समय दे विच विच बस अड्डे ते पहुंचाउणी हुंदी है, जिस कारण ए बसां ज्यादातर हादसियां दा शिकार हो जांदियां ने। बरसात हो रही सी, कार जा रही सी, अगे कार वाले अचानक ब्रेक मारती, गड्डी तलस गई, अचानक गड्डी कित्थे रुक गई, जदों स्लिप ही कर गई। ਗਲਵੱਟੀ ਉਤਰਨਾ ਦਿੱਤੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰੇ ਬੱਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਏ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦਿੰਦੀ ਦਿੰਦੀ ਟਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਮੂਹਰੇ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜੀ ਲਗਭਗ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈ जिन्हां चो हैड इंजरी है घट्टो घट्ट 3-4 बंदियां दे ते एक जिहड़ा ड्राइवर सी उहदे लैग च फ्रैक्चर है वह काफ़ी सीवियर कंडीशन है लगभग सारिया बंदियां दी सीरीयस है कंडीशन। ये टक्कर टिंगी पिंड तो पहला हुई है थोड़े जे रोड के उत्ते हुई है ये बीड़ च वड़ गई सी बस दरखत चे ते नाले साइकिल वाला भी जख्मी होया साइकिल वाला आ रहा सी उधरों वह भी जख्मी होया। नाभे तो राजेश बजाज खबर हरपल इंडिया लई। अगर तुसी भी जुड़ना चाहते हो खबर हरपल इंडिया दे नाल तां सानू लोड़ है अमृतसर तरनतारन अते गुरदासपुर जिले तो मेहनती पत्रकारां दी जो अदारे नू खबर दे नाल नाल इश्तिहार भी दे सकदे होण। सो देर ना करो ते हुणे संपर्क करो 9988645443 ते जां तुसी साडी ईमेल ते अपना बायोडाटा भी भेज सकदे हो। साडी ईमेल आईडी है feedback@khabarharpalindia.com।